ગુજરાતની સરહદને અડીને આવેલા મહારાષ્ટ્રના દહાણુ ખાતે જૈન સમાજ દ્વારા મહાવીર સ્વામીની જન્મજયંતિનો હર્ષોલ્લાસ સાથે ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. દહાણુ જૈન સંઘ દ્વારા મહાવીર સ્વામીની જન્મજયંતિ નિમિત્તે ભવ્ય શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં જૈન સમાજના લોકો જોડાયા હતા. જ્યારે દહાણુ ખાતે આવેલા 110 વર્ષ જૂના દેરાસરમાં ભગવાન મહાવીર સ્વામીની પૂજા કરવામાં આવી હતી. हम तो पहले आपको बोलोगे कि हमारा जन्म जो जैन धर्म में हुआ है, इससे हम बहुत भाग्यशाली हैं. हमारा महावीर भगवान ने खूब बड़ी तपस्या की और तपस्या करके बहुत उसने संकट भी सहे, फिर भी उसने अपना ध्येय पूरा किया और आत्म का अभ्यास किया और स्वर्ग पहुँचे. और उनके अनुयायी आज भारत भर में है, भारत प्रदेश में भी है. और उनके बाद जो हमारा साधु लोग रहते हैं वो जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं. जैसे खाना पीना में सब कंट्रोल, चलने में चलते जाते हैं, कहाँ कितने भी मुसाफिर हो चलते जाते आते हैं, सब त्याग करते हैं, जेब में एक पैसा रखते नहीं है. उनका त्याग महावीर भगवान के बाद जो हमारा जैन धर्म टिक रहा है वो सब हमारे साधु सदैव का हमारी है. और हम ये हमारा जो मंदिर है वो मंदिर 110 साल पुराना है. यहाँ हमारा चंद्र प्रभु स्वामी की प्रथम मूर्ति है, चंद्र प्रभु स्वामी, और बहुत चमत्कारिक है. यहाँ के हमारे दहाणु के गांव जैन मंदिर में रोज आते हैं, पूजा करते हैं, और हमारे गांव की आबादी अच्छी है. सब हमारे जैन लोग खा पी के सुखी है, कोई जात की तकलीफ होती नहीं है. ये सब धर्म पे आधार है. जहाँ धर्म है वहाँ पैसा है, वहाँ आरोग्य है, वहाँ सब कुछ है. और हम अहिंसा में मानने वाले हैं. हमारे पाप में एक मूंगी भी हम देख के चलते हैं, एक मूंगी भी मारना हमारा धर्म में पाप है. आपका नाम? मेरा नाम रमेश करनावट, दहाड़ू.